नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त तो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में थाना धम्मौर पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस काफी अरसे से आरोपी की तलाश में जुटी थी। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली इलाके में खाद विभाग की टीम ने स्टार ट्रेडर्स में छापेमारी की। मौके पर मिठाइयां बन रही थी। टीम को शक है कि स्टार ट्रेडर्स में दूध पाउडर और केमिकल रंग से मिठाई बनाई जा रही है। फिलहाल सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। अमेठी में थाना गौरीगंज के गढ़ा माफी गांव में आबकारी टीम ने दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। अमेठी में थाना रामगंज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। अमेठी में थाना मोहनगंज पुलिस ने अंसार अहमद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अंसार के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अमेठी में थाना जामो पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के 134 क्विंटल सरिया और 1,64,000 रुपए बरामद किए हैं। बहराइच में मूर्तिहा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। बहराइच में मटेरा थाना के करौंदा गांव में चोरों ने घर के पीछे के दीवार काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच में नानपारा रोड पर बाइक सवार राम आधार निषाद को कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गोंडा में थाना आईटीआर थोक पुलिस ने कार के फर्जी पेपर बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 चोरी की कार और 3 फोन बरामद किए गए हैं। जौनपुर में थाना लाइन बाजार के कलीचाबाद पुल के पास अभिनव सिंह और नीतीश सिंह को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रामपुर में थानागंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित जोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को काफी वक्त से जोहरा की तलाश थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।